मेरी गाड़ी पर डे के हिसाब से प्रतिदिन चुनाव प्रचार कर रही थी, उसमें पंपलेट भी थे और गाड़ी सजी हुई थी। प्रचार रोज उसमें लाउडस्पीकर का परमिशन था, पूरे बाकायदे परमिशन के साथ मेरी गाड़ी का प्रचार हो रहा था। लेकिन अचानक किसी ने मॉर्निंग में नियर अबाउट मुझे सूचना मिली है लगभग 12 बजे के लगभग, उसके पहले घटना शायद हो चुकी होगी, 12:30 तक मुझे समाचार मिला है। तो समाचार मिला ये कि वकील साहब ने कहा, उनके पास फ़ोन गया कि आपकी गाड़ी को किसी ने बुरी तरह से तोड़ दिया है और ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा है, मारा है। और शायद ये कहा है तो ड्राइवर ही बताएगा, उसकी FIR की कापी मेरे मोबाइल में आ चुकी है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो उनका कहना था कि वो कुछ लोग थे और मुंह बंद करके जो भी दस्ती रुमाल जो भी लगाए होंगे आए थे, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी थी, मेरी गाड़ियों को प्रहार के मेरे ड्राइवर को मारे, बुरी तरह से उसको पीटा और कहा कि प्रचार बंद करो, प्रचार करने की ज़रूरत तुमको नहीं है। तो ये हादसा होने के बाद मैं सुना तो मैं जगह पे भी गया, मैंने ड्राइवर को सांत्वना भी दी, ड्राइवर रो रहा था, पुलिस भी उसके साथ जो आई थी घटनास्थल पे उनके साथ भी, मैं फ़ोटोग्राफ्स आपको भेज दूँ, प्रोवाइड कर दूँगा। तो पुलिस का भी कहना है कि आपका तुरंत FIR लिखा जाएगा, FIR लिखा भी जा चुका है। तो इस तरह से मुझे पहले से ही कहा किया जा रहा था, आज लास्ट था कि मैं प्रचार न कर पाऊँ, मेरा कहीं और से था प्रचार करना, लेकिन मैं फिर तुरंत भाग के वहाँ पे गया, नहीं तो ड्राइवर रो रहा था। तो ड्राइवर को मनाया और मैंने ये कहा कि तुम्हारी गाड़ी को जितना भी जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी भरपाई मेरा प्रचार कर रहे थे मैं करूँगा, और वो बेचारा पूरी तरह से मतलब रो रहा था, तो मैंने उनको सांत्वना दे के आया। क्या वजह रही होगी, किस तरीके का कदम उठाया? देखिए, मैं पहले से चिल्ला रहा था, बता रहा था, सबको कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमें प्रचार करने देने से रोक रही है, कई बार रोकने की कोशिश की, क्योंकि शासन प्रशासन सब उनका है। तो ये कृपा शंकर सिंह के अलावा ये मैं अभी कॉन्फिडेंस से कैसे कहूँ, क्योंकि ये तो हादसा है, करवाया गया, किया गया, कौन किया मुझे नहीं पता, अज्ञात FIR है, FIR पे इंक्वायरी ये पुलिस का काम है करे, लेकिन जलन कृपा शंकर सिंह से ही है, मुझे हमेशा रोकने की बात कर रहे हैं, हमेशा से रोक रहे हैं। जिस दिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आया, मेरा पहला स्वागत हुआ, तभी से पीछे लगे हुए हैं और आज तक वही कर रहे हैं। आज लास्ट दिन था प्रचार का, आज भी उन्होंने ये हादसा, अब कैसे हुआ वो तो वो बता सकते हैं या पुलिस बता सकती है, लेकिन जलन उनसे ये जो शक जाता है वो भारतीय जनता पार्टी पे जाता है और उनके वर्करों पे जाता है, क्योंकि कल भी हमसे दीपू भाई का कुछ हो रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी का कोई उलझने की कोशिश किया था, मैं वहाँ से अपने गाड़ी में से निकल गया। तो ये उनके ही लोग हैं जो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ उलझ जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी भी हो सकती, मुझे पता नहीं, हो सकता है वो भी हों, लेकिन हो सकता वो करके BJP का नाम, जो भी हो, जो भी होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमें परेशान कर रही है। कल भी मेरे को मुझे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ FIR हो नहीं सकता, मैं अपनी गाड़ी में बैठा और हमारा गनर था, हमको बैठा और लेके चले गया, लेकिन हमसे उलझना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कल भी। तो आज ये हादसा कर दें तो पूरा डाउट उन पर ही जाता है, क्योंकि कल उलझे हुए थे, दीपू भाई का प्रोग्राम था वहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे से उलझे थे और मेरे से सवाल करना चालू किए, तो मेरे दो चार लोगों ने मुझे गाड़ी में बंद किया और लेके चले गए। तो डाउट उन पर जाता है, डाउट उनके लोगों पे जाता है। मैं यही कहूँगा कि निष्पक्ष चुनाव हो, और मैं सबसे विनती करता हूँ यहाँ की जनता से, जौनपुर की जनता से, कि जिस तरह से मुझे सताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिस तरह से मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका जवाब 25 तारीख को सुबह सुबह जाइए और 8 बजे जैसे मतदान ओपन होता है वो गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के इनको करारा जवाब दो, गन्ना किसान जीतेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। अगर जनता जवाब देगी तो नेक्स्ट टाइम से, अभी अगर इस बार नहीं हो रहा है तो अगली बार तो निष्पक्ष चुनाव होगा। तो मैं जनता से अपील करूँगा कि सारे महिला पुरुष भाई बंधु सभी 25 तारीख को 8 बजे जाए, गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के गन्ना किसान को विजयी बनाएं, किसान को विजयी बनाएं, जौनपुर को विजयी बनाएं, और जौनपुर का विकास होगा तो देश का